चैप्टर नंबर सिक्स में यार मेजॉरिटी ना वही है जो आपने पढ़ा हुआ है, इनकी कोई खास ट्रिक्स भी नहीं होती, बस 6.7 और 6.9 जो है इनकी एक एक ट्रिक है वो बहुत काम की है, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट की और पार्शियल फ्रैक्शन की इंटीग्रेशन जो है उसकी ट्रिक बड़े काम की है, बाकी वही हैं जो रूल्स आपने पढ़े हुए हैं तो मैं उनको ज़रा मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ। देखो इंटीग्रेशन दो टाइप्स की होती हैं, ठीक है, एक आप इंटीग्रेशन को बोलते हो वो होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन वो वाली होती है जिसमें लिमिट्स इन्वॉल्व हैं, आपको बाउंड्रीज दी जाती हैं कि इनके दरमियान ही आपने इंटीग्रेशन करनी है, और इनडेफिनेट में कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कोई लिमिट्स नहीं होती, तो आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन दूसरी टाइप होती है। इन दोनों में बस आपके लिए ये फ़र्क जानना ज़रूरी है कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है या डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है इसमें आप प्लस सी ऐड नहीं कर रहे होते, और जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है इसमें आप प्लस सी ऐड करते हो। क्यों करते हो उसके रीज़न में हम नहीं जा रहे, तो ये बेसिक बात बतानी चाहिए। दिखने में आपको पता चल जाएगा डेफिनेट में नीचे और ऊपर लिमिट गिवन होती है, इनडेफिनेट में आपको लिमिट नहीं गिवन होती। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फिलहाल हम इनडेफिनेट पे ही, ज़्यादातर आपके सवाल इनडेफिनेट के ही हैं, डेफिनेट आपको बीच बीच में हल्के हल्के मिल जाएंगे। रूल जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने डेरिवेटिव के रूल पढ़े थे इसी तरह इंटीग्रेशन के भी रूल्स होते हैं, तो उसको ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहला यार रूल जो है, दो तीन रूल शुरू के ईजी वाले हैं जो आप लोगों ने बहुत दफ़ा किया होगा लेकिन आप लोगों ने नोट भी नहीं किया। जैसे अगर आपके पास इंटीग्रल के अंदर दो टर्म आ रही हैं, अब वो ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो आप दोनों पे अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई करते हो, ठीक है। दो टर्म अगर इंटीग्रल के अंदर है, लेट कर लो x प्लस टू, तो आप x पे भी इंटीग्रल अप्लाई करोगे, आप 2 पे भी इंटीग्रल अप्लाई करोगे। तो ये बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है, दो टर्म ऐड हों या दो टर्म सब्ट्रैक्ट हों तो आप अलग अलग उन पर इंटीग्रल अप्लाई करते हो। इसी तरह एक और आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर कोई कॉन्स्टेंट अंदर मौजूद है इंटीग्रल के, एज अ कोफिशेंट आया हुआ है वो, तो कोफिशेंट ही होगा इंटीग्रल के अंदर, तो उस कॉन्स्टेंट को आप इंटीग्रल से बाहर कर देते हो। जो काम के कॉन्स्टेंट है उसको आप रखते हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक अगर आपके पास लिखा हुआ है साइन 2x 4dx, ये लिखा हुआ है, तो अब देखो मैं आगे बताऊँगा किस तरीके से आपने इंटीग्रेट करना है, लेकिन आपको यहाँ पर 2 चाहिए होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 मौजूद है तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ ना, 4 को मैं इस तरह लिख दूँ 2 into 2 dx। अब एक 2 तो मेरे काम का है, दूसरा वाला 2 मेरे काम का नहीं है, तो ये चीज़ आधी बताई जाती है कि अगर कोई कांस्टेंट अंदर मौजूद है तो उसको बाहर कर दो। ज़रूरी नहीं है कि हर कांस्टेंट को आपने उठा के बाहर करना है, जो आपके काम का कांस्टेंट नहीं है उसको आपने बाहर करना है। एक 2 आपको चाहिए, क्यों चाहिए वो बाद में हम पढ़ लेंगे, और दूसरा वाला 2 आपको नहीं चाहिए उसको आप बाहर कर दो। तो जो काम का कांस्टेंट नहीं है उसको आप इंटीग्रल से बाहर कर दो, और जो काम का है वो तो आपको ज़रूरत होगी उसकी, तो ये दूसरा रूल है। इसी तरह देखो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होती है ना, जिसमें लिमिट नहीं गिवन होती, इसको आप एंटी डेरिवेटिव भी कहते हो, कि डेरिवेटिव का अपोजिट। तो कितने सवाल ऐसे होंगे कि जो आपको इंटीग्रेशन के रूल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर, अगर आपको डेरिवेटिव की बेसिक्स आती है तो आप आसानी से उसको कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके पास कोई भी इंटीग्रल आ रहा है, जैसे ये मैं इंटीग्रल लिख रहा हूँ, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं जो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप कितने सवालों में एक कॉन्सेप्ट को देखोगे, कभी फौरन ही आपके जहन में क्लिक कर जाएगा ये कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि आप बस ये देखना कि यहाँ जो फंक्शन मौजूद है ये किस चीज़ का डेरिवेटिव होता है। अगर आपने ये चीज़ क्रैक कर ली कि ये फंक्शन किस चीज़ का डेरिवेटिव है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे ये पूरा डेरिवेटिव होता है टेंजेंट इनवर्स का, तो जैसे ही आपने चीज़ क्रैक कर ली कि यहाँ पे जो फंक्शन मौजूद है वो टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है, तो इसका आंसर टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे अगर आपके पास लिखा हो 1/(x dx), अब रूल्स हैं इसके ऊपर लेकिन कितनी चीज़ें हैं अभी मैं एक बताऊंगा वो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन वो इंटीग्रेशन से इस चीज़ से कितनी आसान हो जाएगी आपके लिए। अगर आपके पास लिखा हो 1/(x dx), आप इस पे रूल लगा सकते हो, लेकिन आपके जहन में सबसे पहले चीज़ आनी चाहिए कि ये 1/(x) जो है ये किसका डेरिवेटिव होता है। तो अभी हमने लास्ट क्लास पढ़ चुके हैं कि ln x जो है उसका डेरिवेटिव 1/(x) होता है। तो जैसे ही आपने क्रैक कर लिया कि भाई ये पूरी चीज़ जो है ना ये डेरिवेटिव होती है ln x की, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ln x हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से पता कर सकते हो। अब जो मुश्किल वाली चीज़ है उसको ज़रा देखो, ये चीज़ स्टूडेंट को हज़म नहीं होती,
ये आपने मेरे ख्याल में देखी भी नहीं होगी अभी तक कि जीरो का इंटीग्रल क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे जाके यूनिवर्सिटी लेवल में जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो जीरो को आप इंटीग्रेट करते हो। आपके लेवल पे इतना नहीं है लेकिन एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है इसका। जो मैंने आपको टेक्निक बताई है वही इस पर अप्लाई करो। अगर सवाल आ जाए कि जीरो को इंटीग्रेट करो तो आपने देखना है कि भाई ये जो जीरो मौजूद है ये किसका डेरिवेटिव होता है। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो जैसे ही आपने देखा कि जीरो जो है ये डेरिवेटिव होता है कांस्टेंट का तो इसके आंसर में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। जैसे यहां आपने देखा था कि ये डेरिवेटिव होता है टेंजेंट इनवर्स का तो आंसर में टेंजेंट इनवर्स आ गया। जैसे यहां पे आपने देखा कि 1 अपॉन x डेरिवेटिव होता है ln x का तो आंसर में ln x आ गया। उसी तरह जीरो डेरिवेटिव होता है किसी भी कांस्टेंट का तो आंसर में कांस्टेंट आ गया। सर अगर टेंजेंट इनवर्स वाले में न्यूमरेटर में 3 हो तो हम 3 बाहर लेके जा सकते हैं। यार मुझे आपका सवाल क्लियर हुआ नहीं है। टेंजेंट इनवर्स में अगर 3 हो, अगर आप यहाँ कहना चाह रहे हो 3 जहाँ तक मैं समझाऊँ तो फिर तो बिल्कुल लेके जा सकते हो। आप इस 3 को इस तरह बाहर ले जाना और इधर 1 लिख देना तो अब तो बिल्कुल ठीक है बात। ये तो काम कर सकते हो। अगर आपका ये वाला सवाल है तो फिर तो बिल्कुल जायज़ है। हाँ बिल्कुल जायज़, आप 3 लेके जा सकते हो। ठीक है, तो ये वो टेक्निक है जो आपको कहीं बुक में मिलेगी नहीं, कोई इसको समझाएगा भी नहीं, कोई रूल भी नहीं है। ये एंटी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये वहाँ से मैं कॉन्सेप्ट लाया हुआ हूँ कि आप देखो ये किसका डेरिवेटिव है वही आंसर आ जाएगा। तो ये कहीं कहीं जगह आपके काम आएगा, जैसे ये वाली जगह है। अगर मैं डायरेक्ट आपको बताता आपके ऊपर से चला जाता, तो इसलिए मैंने पहले 2 एग्जाम्पल दिए इजी वाली जो कि फॉर्मूले से हो सकती है। इंटीग्रेशन के बहुत ही बेसिक फॉर्मूले हैं जिनसे आप ये काम कर सकते हो, लेकिन ये वाला काम मुश्किल हो जाएगा इसलिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया पूरा। ठीक है, अब रूल्स पे आ जाओ। सबसे पहला रूल जो है, बस 2 रूल ही पढ़ेंगे हम, उसके बाद बाकी बाद में आएंगे। उनमें से सबसे पहला रूल है पावर रूल, जो आपने डेरिवेटिव में ही पढ़ा था। वहां पे आपने देखा था कि मैंने बताया था कि पावर रूल की शर्त क्या है। आप कब पावर रूल अप्लाई करोगे, जब आप ये देखोगे कि एक फंक्शन मौजूद है और उस फंक्शन की होल पावर मौजूद है। जैसे ln x स्क्वायर नहीं, ln x का स्क्वायर पूरा लिखा हुआ हो, पूरी होल पावर हो उसकी, तब आप पावर रूल लगाते हो। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होगा। पावर रूल के लिए सबसे पहले पूरे फंक्शन के ऊपर पावर होनी चाहिए, सबसे पहला काम यहाँ पे ये है। तो मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ कि एक फंक्शन है f ऑफ x, उसके ऊपर एक होल पावर मौजूद है। ये तो सबसे पहला काम है। फंक्शन के ऊपर पावर होगी होल तो आप इंटीग्रेट करोगे, पावर लगाओगे, वरना नहीं लगाओगे। तो पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त ये है कि जो नीचे फंक्शन है ना उसका डेरिवेटिव भी साथ में मौजूद होना चाहिए। अगर आपको ये याद हो तो ये आप डेरिवेटिव में आंसर में काम करते थे कि आप, अगर आपको याद हो तो आंसर में आप डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते थे, तो ये उसका अपोजिट है ना। यहाँ पे आप शुरू में ये काम कर रहे हो। डेरिवेटिव में आप बाद में करते थे, पावर रूल लगाने के बाद आप डेरिवेटिव लेते थे फंक्शन का, इंटीग्रेशन में आप पहले ले रहे होते हो क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है ये पूरे। तो कंबाइन कर देता हूँ मैं। पावर रूल आप कब लगाओगे, जब एक फंक्शन की होल पावर मौजूद होगी, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो बेस है ना नीचे, जो पावर के नीचे जो भी चीज लिखी हुई होगी उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होगा। अगर ये शर्त कंप्लीट हो रही है तो आप यहां पे इंटीग्रेट करोगे। और पावर रूल क्या कहता है कि फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव में आप -1 करते थे, इंटीग्रेशन में आप ऐड करते हो। ऐड करने के बाद जो ऊपर पावर होगी एज इट इज नीचे भी लिख देना। हाँ मैं कर देता हूँ, आपके बैकग्राउंड में शोर बहुत है, आप मैसेज कर दिया करो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा मैं दोबारा बता देता हूँ। तो 2 चीज़ें आपने देखनी है। एक तो फंक्शन के ऊपर पावर होनी चाहिए, मतलब ये ना हो, ये फंक्शन के ऊपर पावर नहीं है, ये एंगल के ऊपर पावर है। फंक्शन के ऊपर पावर उस वक्त होती जब यहाँ पे 2 लिखा हुआ होता। तो पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि होल फंक्शन के ऊपर पावर है या नहीं है। अगर आपने देखा कि यार पावर है तो फिर आपने देखना है कि जो नीचे बेस है, ये पूरी बेस है, मतलब पावर को छोड़ के जो नीचे लिखा हुआ है उसको आप बेस बोलते हो, उस बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो आप पावर रूल लगा दोगे। और क्या होगा पावर रूल, कि जो फंक्शन है उसकी पावर में 1 ऐड करोगे, सेम पावर नीचे भी आ जाएगी, प्लस सी लगा दोगे। और अगर बेस का डेरिवेटिव नहीं है तो आप किसी तरह कंप्लीट करो। ठीक है, वो हम सवाल देखेंगे किस तरह हम कंप्लीट करते हैं। ये बात होगी पूरे पावर रूल की, लेकिन पावर रूल एक जगह वर्क नहीं करता और इसी से वो आपके बोर्ड एग्जाम में खेलते हैं। मैंने यूनिवर्सिटी में नहीं देखा खेलते हुए, बोर्ड एग्जाम में वो खेल रहे होते हैं कि इसके आगे की कंडीशन ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है।
कॉस स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा? खैर आप सवाल पूछ लो, पता नहीं क्या कह रहे हो। ये जो पावर रूल है ना, ये माइनस वन पे वर्क नहीं करता, किसी भी पावर पे वर्क कर जाएगा। अगर फंक्शन की पावर माइनस वन लिखी हुई है तो ये पावर रूल वर्क नहीं करेगा। उसकी रीजन ये है कि लेट कर लो, अगर इसकी पावर माइनस वन है तो जब आप इस पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाओगे ना, तो नीचे एन क्या होगा? माइनस वन होगा, क्योंकि पावर माइनस वन थी। माइनस वन प्लस वन ये हो जाएगा जीरो के बराबर, और डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ गया तो आपकी फ्रैक्शन अनडिफाइन हो जाएगी। तो दैट्स वाई पावर रूल जो है वो एन इक्वल टू माइनस वन पे वर्क नहीं करता। लेकिन मैंने पहले भी बोला है कि मैथ में आप ये नहीं बोल देते कि यार हम ये काम नहीं कर सकते, उसका ऑल्टरनेट आपके पास होता है। तो अब बात की जाती है दूसरे फॉर्मूले की। मसला आपने देख लिया कि पावर रूल एन इक्वल टू माइनस वन पे वर्क नहीं करता, तो अब क्या चीज़ वर्क करेगी वो ज़रा देख लेते हैं। अच्छा कंसीडर करो कि अगर मैं यहाँ पे माइनस वन पुट कर दूँ तो ऊपर इसकी पावर माइनस वन है, अगर मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? वन हो जाएगी। लेट कर लो एन की पावर यहाँ पे माइनस वन है, अगर मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो पावर वन हो जाएगी। तो फिर ऊपर क्या मौजूद होगा? ऊपर ये वाली चीज़ मौजूद होगी और dx अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, ये कंप्लीट फॉर्मूला होता है। अब ज़रा इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं, किस फॉर्मूले को आप कब अप्लाई करोगे। पहली मैंने आपको रीज़न ये बताई है कि n इक्वल टू माइनस वन पे वर्क नहीं करेगा, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अब ये वाला फॉर्मूले की शर्त क्या है ज़रा इसका देख लो। इस फॉर्मूले की शर्त ये होती है कि डिनोमिनेटर में एक फंक्शन मौजूद होगा और उस फंक्शन की 99% केसेस में पावर नहीं होती। मैं ये डिनाई नहीं कर रहा कि अगर इसकी कोई होल पावर मौजूद हो तो आप ये रूल लगा नहीं सकते, लेकिन 99% क्वेश्चन में आप यही देखोगे कि जब भी आप ln वाला रूल लगाते हो तो नीचे इसकी कोई पावर मौजूद नहीं होगी, ये फंक्शन अकेला मौजूद होगा। जैसे इस टाइप का सवाल होगा x प्लस वन, अब नीचे x प्लस वन मौजूद है, x प्लस वन की कोई होल पावर नहीं है, तो आप डायरेक्ट इस पर फॉर्मूला लगाओगे, आप लिख दोगे ln x प्लस वन। तो मैक्सिमम केसेस में, बल्कि ऑलमोस्ट सब केसेस में यही होता है कि ln वाला फॉर्मूला आप उस वक्त अप्लाई करते हो जब फंक्शन आपका डिनोमिनेटर में और उसकी पावर नहीं है, और पावर रूल उस वक्त अप्लाई होता है जब उसकी पावर मौजूद है। तो इन दोनों में आप इस तरह डिफरेंशिएट करते हो, मैं अभी एग्जांपल भी दे दूंगा, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो ये रूल हमें ये कहता है कि डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन मौजूद है, अगर इसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर के अंदर मौजूद है, या आप ये कह लो इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। और फॉर्मूला क्या कहता है? ln जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो लिखो और प्लस सी लगा दो। अब मैं इसकी कुछ एग्जाम्पल देता हूँ इन दोनों फॉर्मलों की, ताकि आप लोगों को फ़र्क पता चले कि ये दोनों फॉर्मूले कब काम आएंगे। सबसे पहली चीज़ dx अपॉन x स्क्वायर, पावर लगेगा या ln लगेगा? ln नहीं लग सकता। क्यों? ln के लिए मैंने शर्त क्या बताई है? जो डिनोमिनेटर में मौजूद है उसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर के अंदर होना चाहिए। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। 2x न्यूमिनेटर में मौजूद नहीं है, और 2x से आप मल्टीप्लाई डिवाइड भी नहीं कर सकते। याद रखो, वेरिएबल से आप मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, अनलेस एंड अनटिल, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो ना, जैसे यहाँ पे अगर आप x से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई वाला तो आपके काम का होगा, डिवाइड वाले का क्या करोगे? उसको आप बाहर भी नहीं निकाल सकते, वेरिएबल को इंटीग्रल से बाहर नहीं निकाल सकते। तो दैट्स वाई 99.99% केसेस में आप वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करवाते। लेकिन कुछ एक दो ऐसे सवाल हैं, जैसे 6.3 में क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 या 3 है, जिसमें आप वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, क्योंकि वहाँ ऊपर वाला भी काम का है, नीचे वाला भी काम का है, बहुत ही रेयर केस है, वरना नॉर्मली आप वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते। तो अब इस पे ln वाला नहीं लग सकता, क्योंकि ऊपर 2x होना चाहिए, 2x से आप मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। तो फिर दूसरा हल क्या है? पावर रूल। और वैसे भी मैंने बताया था कि ln वाले में ज़्यादातर पावर मौजूद नहीं होती, यहाँ पे पावर मौजूद है तो समझ जाओ ये पावर रूल का सवाल है। लेकिन पावर रूल के लिए फंक्शन ऊपर होना चाहिए, तो आप इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है, अब इस पे पावर रूल लगा दो। पावर रूल क्या कहता है? अच्छा, बेस एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है जो कि साथ मौजूद है, तो इसकी शर्त भी कंप्लीट हो गई है। माइनस टू में वन ऐड करो, माइनस वन हो जाएगा, नीचे भी माइनस वन, प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मजीद अगर सिंप्लीफाई करना चाह रहे तो आप इस तरह लिख सकते हो, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस सी, एक्स को नीचे ले जाओ। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेट करोगे, तो यहाँ से आपको आइडिया होगा कि पावर रूल नहीं आप लगाओगे, ln वाला लगाओगे। अब एक दो सवाल और सॉल्व करते हैं।
अब ये सवाल मौजूद है। अब इस सवाल में देखो पावर रूल तो नहीं लग सकता, क्योंकि वो जहन आप बना लो कि पावर रूल उस वक्त लगेगा जब एक पावर मौजूद है। यहाँ पे कोई पावर मौजूद नहीं है, तो आप यहाँ पे पावर रूल नहीं लगा सकते। तो या तो एलन वाला लगेगा या सम अदर टेक्निक को आप यूज़ करोगे, बस पावर रूल नहीं लग सकता, क्योंकि ये जहन में आपके होना चाहिए पावर रूल उसी वक्त लगता है जब कोई पावर मौजूद हो, या अगर पावर मौजूद ना भी हो फंक्शन आपका न्यूमरेटर के अंदर हो, जब डिनोमिनेटर के अंदर है फिर लग ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप डिनोमिनेटर से ऊपर शिफ्ट करोगे तो उसकी पावर माइनस वन हो जाएगी और माइनस वन पे आप लगा ही नहीं सकोगे। तो यहां से आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये चीज नहीं लग सकती। अब आप एलन वाला ट्राई करो, लग सकता है। कैसे? इस फंक्शन को थोड़ा आप इस तरह लिख दो। ये लिखने से फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि एलन में मैंने क्या बताया था कि जो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए या उसके साथ मौजूद होना चाहिए। दोनों बातें कह सकते हो कि ऊपर भी होना चाहिए या साथ मौजूद हो, एक ही बात है। अब यहां पे देखो डिनोमिनेटर में क्या मौजूद है, एलन एक्स। एलन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वन अपॉन एक्स, जो कि साथ पूरा मौजूद है। आप वन अपॉन एक्स को इस तरह भी लिख सकते हो, आप न्यूमरेटर के अंदर भी वन अपॉन एक्स लिख दो, एक ही बात होती है। तो जो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है वो उसके साथ मौजूद है, इसका मतलब यहां पे आप एलन वाला लगा सकते हो। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो या आप इसको इस तरह भी लिख दो। मैथ कहती है कि दोनों चीजें सेम है, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। अगर इस तरह लिखने से ज्यादा आप समझ जाओगे अच्छा, तो आप ये लिख लो। इसमें आपको देखने में लग रहा है डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर के अंदर मौजूद है, तो आप एलन वाला फॉर्मूला लगाओ। एलन वाला फॉर्मूला कहता है कि आप एलन लिखो, उसके बाद जो भी डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो लिखो। डिनोमिनेटर में फंक्शन यहाँ पे एलन एक्स है तो मैंने वो लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब कुछ ऐसे एग्जांपल लेते हैं जिसमें आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, मतलब डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं हो रहा। तो लेट कर लो, अगर आपके पास मौजूद है ये फंक्शन मौजूद है। अब सबसे पहली बात कि अगर आप नीचे डिनोमिनेटर में देखो तो उसकी पावर 1/2 मौजूद है, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 पावर, तो पावर 1/2 मौजूद है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि एलन वाला नहीं लगा सकते, क्योंकि वही मैंने बात बोली है, एलन वाला जब पावर हो तब नहीं लग रहा होता। तो आपके जहन में फिर क्या आना चाहिए कि यार मे बी पावर रूल लग जाए, लेकिन पावर रूल के लिए याद रखो फंक्शन ऊपर होना चाहिए। तो आप पहले नीचे वाले फंक्शन को ऊपर ले जाओ। अच्छा, नीचे पावर 1/2 है, ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी? -1/2 हो जाएगी। अब जरा पावर रूल की शर्त देखो। पावर रूल की शर्त ये होती है कि जो पावर के नीचे बेस लिखी हुई है उसका डेरिवेटिव साथ होना चाहिए। यहाँ पे बेस क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस टू। माइनस टू का डेरिवेटिव तो जीरो होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। साथ क्या मौजूद है? x मौजूद है, मतलब आपको यहाँ पे क्या चाहिए? 2 चाहिए, क्योंकि बेस का डेरिवेटिव 2x है, आपके पास जस्ट x मौजूद है। तो 2 कैसे आएगा? आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे। आप बाहर भी 2 जो है वो डिवाइड में लिख दो और अंदर जो है वो आप मल्टीप्लाई के अंदर लिख दो, ठीक है। तो आपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई वाला आपके काम का था, डिवाइड वाला आपके काम का नहीं था, उसको आपने इंटीग्रल से बाहर कर दिया। अब आप इसको इंटीग्रेट करो, ये 1/2 अपनी जगह पे आएगा। अच्छा, पावर में आपने 1 ऐड करना है। -1/2 में जब आप 1 ऐड करते हो तो 1/2 आ जाता है, नीचे भी 1/2 लिखो प्लस सी। और सिंप्लीफिकेशन का स्टेप ये भी हो सकता है कि ये 1/2 है ना, तो ऊपर जाके हो जाएगा 2/1। 2/1 इस 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो सब कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जस्ट इतना सा सवाल आ जाएगा। बहरहाल ये सिंप्लीफिकेशन आप लोग देख लेना, ये तो बहुत ईजी सी है। आंसर में इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है या मे बी वो रूट लगा दें, क्योंकि 1/2 को स्क्वायर रूट भी आप लिख सकते हो, तो ये भी आंसर दे सकते हैं या इसकी जगह स्क्वायर रूट लगाया होगा, दोनों तरीके से वो आंसर दे सकते हैं। तो ये मैंने आप लोग कुछ क्वेश्चंस करवा दिए हैं जो आपको हेल्प करेंगे कि एलन और पावर रूल आपने कब इस्तेमाल करना है। बाकी जो मैंने पास पेपर्स अपलोड किए हैं एनएडी के, उसमें इंटीग्रेशन के काफ़ी सवाल हैं। इंटीग्रेशन कैलकुलस का पोर्शन फेवरेट होता है किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप ज़रा देख लेना जाके उनको। बाकी मजीद इंशाल्लाह बाद में भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये और दूसरा बेस्ट तरीका, यार अपनी बुक सॉल्व करो। बुक में क्या सॉल्व करना है? 6.1 के जितने सवाल है सॉल्व कर लो। मैं बता देता हूँ 6.1 के सब सवाल कुछ बड़े बड़े हो जाएंगे। एमसीक्यूज़ के लिए मैं बता देता हूँ कौन कौन से करने हैं।
शुरू के 5-6 पार्ट तो कर ही लो। हाँ, शुरू के जो ये समझ लो 11 पार्ट ना, 12 वाला थोड़ा बड़ा है, मल्टीप्लाई करना है, लेकिन शुरू के 10 तक आप कर लो, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी पावर रूल की, क्योंकि शुरू के 10 में पावर रूल ही लग रहा है। उसके बाद आप आ जाना 6.3 में, ठीक है। 6.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके शुरू के आप जो 8 पार्ट है ना, पार्ट नंबर 8 तक ये ट्राई कर लेना। तो 6.1 के शुरू के 10 और 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के शुरू के 8 पार्ट ये कर लो, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी पावर रूल और एलएन की, इनको समझ के कर लो, बोर्ड की भी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और ये छोटे छोटे, क्योंकि सवाल बहुत छोटे से हैं, ये एमसीक्यूज में ज़्यादातर आते हैं, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बस ये दो ही रूल्स होते हैं, बाकी जो प्रोडक्ट रूल है इंटीग्रेशन का, उसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की टेक्निक कहते हो, तो वो इंशाल्लाह हम 6.7 में पढ़ेंगे। और क्वेश्चन रूल कोई नहीं होता यहाँ पे, जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होते हैं या तो पावर रूल लग जाएगा उसके ऊपर, या एलएन वाला भी कभी लग जाता है, या हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी कर लेते हैं, डिफरेंट टेक्निक उनके लिए हैं। तो ये 6.1 का टॉपिक जो है ना, पावर रूल एलएन वाला, ये मैंने आपको बता दिए। 6.3 के शुरू के क्वेश्चन मैंने बताया कि पावर रूल से हो रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो तो वो एक्सपोनेंशियल वाला है, तो हम ज़रा देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो हैं उनकी इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, जैसे आपने डेरिवेटिव में पढ़े थे कि सर 6.2 के 10 और 6.3 के कितने, 6.1 के 10, 6.2 नहीं, 6.2 तो डिफरेंट है, 6.1 के शुरू के 10 क्वेश्चन और 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के शुरू के 8 पार्ट। बाकी आप अपने पास पेपर्स को सॉल्व कर लो, जो एनडी के पास पेपर उनको सॉल्व कर लो, आपका मामला क्लियर हो जाएगा पूरा, ये काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। जैसे आपने डेरिवेटिव में पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दो किस्म के होते हैं, एक तो कोई भी जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसकी कुछ भी बेस है, जिसको मैं ए से लिख रहा हूँ, ए 1, 2, 10, 50 कुछ भी हो सकता है, और उसकी पावर में कोई भी एक फंक्शन लिखा हुआ होगा, कोई भी वेरिएबल मौजूद होगा। तो अगर आपको याद हो डेरिवेटिव में आप आंसर लेते हुए एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो पावर है उसका डेरिवेटिव लेते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में आपको पहले ही लेना पड़ता है। इंटीग्रेशन ये कहती है कि भाई जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन मौजूद है ना, उसकी जो पावर है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए। अगर डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो इंटीग्रेशन आपको अलाउ करेगी इंटीग्रेट करना, वरना वो आपको अलाउ नहीं कर सकती। तो जो पावर है उसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, और अगर ये शर्त कंप्लीट है तो फॉर्मूला ये है कि आप लिखोगे एज इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जो सवाल में गिवन होगा, और नीचे डिवाइड कर देना आप एल एन ए से और प्लस सी लगा देना, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो मौजूद है उसकी पावर का डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए, अगर मौजूद है तो आंसर होगा एज इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डेरिवेटिव में आप मल्टीप्लाई करते थे एल एन ए से, तो इंटीग्रेशन में आप डिवाइड करोगे एल एन ए से और आप प्लस सी लगा दोगे। तो ये बात हुई है जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। अगर कोई नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, मतलब ई उसकी बेस हो, तो अब आपका रूल नहायत ही ईजी हो जाता है। अच्छा, रूल वही है कि पावर का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये होगा कि जो नीचे वाला एल एन ए है ये हट जाएगा, क्योंकि अब आपको असूली तौर पर एल एन ई लिखना चाहिए था, क्योंकि बेस ई है यहाँ पे, और एल एन ई 1 के बराबर होता है, तो फालतू में लिखने की क्या ज़रूरत है। तो जब भी आपके पास ई वाला फंक्शन आए ना, तो इसको तो मसला ही नहीं होता, बस आपका काम यह है कि आपने डेरिवेटिव को कंप्लीट करना है। जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको एज इट इज लिखो, प्लस सी लगा देना, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है 6.3 का, जो एक्सपोनेंशियल वाला है, उसमें भरे हुए जितने सवाल है वो लॉन्ग के हैं ही नहीं, वो शॉर्ट के हैं, तो उन्हीं में से मैं 2-3 करवा देता हूँ आपको। जैसे पार्ट नंबर 2 है इसका, ई की पावर 3x² प्लस 2x dx। अच्छा, x शुरू में लिखा हुआ था, मैंने उसको इधर लग कर दिया। अब आप देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर क्या है, ये पूरी डेरिवेटिव निकालो। 2 का डेरिवेटिव तो 0, 3x² का डेरिवेटिव होगा 6x। मौजूद क्या है, x है, 6 मौजूद नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो,
तो मल्टीप्लाई वाला 6 अंदर, डिवाइड वाला 6 बाहर। अब जो पावर थी उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, अब आप इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रल का आंसर क्या होगा, ये 1/6 तो अपनी जगह पे, जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन था एज इट इज कॉपी करो और आगे प्लस ही लगा दो। ठीक है, अच्छा इसी तरह जो पार्ट नंबर 4 है वो आप लोग कर लेना, उसकी पावर का जब आप डेरिवेटिव निकालोगे तो -1/u² आएगा। तो 1/u² तो मौजूद है, आप माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, मतलब अंदर भी एक माइनस लगा देना, बाहर भी एक माइनस लगा देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं पार्ट नंबर 5 करवा देता हूँ, उसमें मसला हो सकता है, और ये सवाल बिल्कुल आते हैं क्योंकि बहुत ईजी सवाल हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। लिखा है 2x³ + 3, पार्ट नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 2 का 6.3। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऊपर होना चाहिए, नीचे उसका कोई काम नहीं है, तो ऊपर ले जाओ। जब आप ऊपर लेके जाओगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, दोनों के साथ नेगेटिव आ जाएगा, -2x³ - 3, और साथ मौजूद है x²dx। अब आप पावर देखो इसकी, ये पूरी पावर है, यहाँ पे अगर आप देखो तो -3 का डेरिवेटिव 0, -2x³ का डेरिवेटिव होगा -6x². अब x² तो मौजूद है, -6 मौजूद नहीं है, तो आप क्या करना, आप ये अंदर भी -6 से मल्टीप्लाई करवा देना, और अगर अंदर आपने मल्टीप्लाई किया तो बाहर आपको -6 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो पावर है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, लो भाई अब आप इंटीग्रेशन करो, क्या इंटीग्रल होगा, ये -1/6 तो अपनी जगह पे, जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको लिखो +c, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग खुद प्रैक्टिस करना, काफ़ी आपको सवाल मिल जाएंगे एक्सपोनेंशियल के, आपके बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी आते हैं, बहुत फेवरेट क्वेश्चंस हैं उनके, और बुक में भी आपको मौजूद हैं, तो सॉल्व कर लेना बाकी पार्ट्स।